नमस्कार, आप देख रहे हैं MGB डिजिटल इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। हाल फिलहाल में ही कॉफी विद करण में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बतौर गेस्ट पहुंचे थे। उस दौरान दीपिका ने रणवीर संग अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसा कहा कि अब वो ट्रोल हो रही हैं। लेकिन ऐसा क्या बोल गई दीपिका पादुकोण कि सोशल मीडिया पर भी लोग भड़क गए और गुस्से में रणवीर का वीडियो भी वायरल हो गया है। आपको बता दें, करण जौहर का सबसे चर्चित शो कॉफी विद करण का आगाज हो चुका है। शो के 8वें सीजन के पहले गेस्ट रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण थे। इस दौरान दोनों स्टार्स शो के होस्ट करण जौहर के साथ मजेदार बातचीत करते और कई खुलासे करते नजर आए हैं। वहीं दीपिका ने रणवीर सिंह संग अपने रिश्ते को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी कि उन्हें अब सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल दीपिका ने बताया कि वो शुरुआत में रणवीर के साथ सीरियस नहीं थी। एक्ट्रेस कहती है कि मैं सिंगल रहना चाहती थी क्योंकि मैं दो बहुत मुश्किल रिलेशनशिप से निकली थी। मैं किसी के साथ कमिटेड होना नहीं चाहती थी। शुरुआत में मैं रणवीर के साथ सीरियस नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तब मैं सीरियस हो गई। दीपिका आगे कहती हैं कि हालांकि हम दोनों ओपन रिलेशनशिप में थे, बावजूद इसके हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते थे। वहीं ऐसा लग रहा है कि लोगों को दीपिका की ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई और इसी वजह से उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही दीपिका की ये बात सुनकर कि वो रणवीर के लिए सीरियस नहीं है, रणवीर का चेहरा भी उदास होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन जो भी हो, दीपिका और रणवीर की जोड़ी है तो कमाल की। इन दोनों के रिश्ते की कहानी सुनकर करण ने भी अपने सिंगल होने के बारे में बात की और कहा कि मैं सोल कनेक्शन मिस करता हूँ। मुझे पता है मेरे पास मेरे बच्चे और माँ हैं, लेकिन जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं अकेला महसूस करता हूँ। मुझे पता है रिलेशनशिप मुश्किल है, लेकिन जिस इंसान के साथ आप सुबह उठते हो, उसका हाथ पकड़ते हो, वो सोल कनेक्शन है। करण ने आगे कहा, मैं आप दोनों के लिए बेहद खुश हूँ और अकेला भी हूँ। मैं इस उम्मीद के साथ ये मैनिफेस्ट करता हूँ कि मेरी भी आप दोनों जैसी ही लव स्टोरी हो। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए MGB डिजिटल इंडिया।